नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार के सरकारी स्कूल में देश भर की तुलना में शिक्षकों की सबसे अधिक सीटें खाली। सरकारी स्कूल की कुव्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी स्कूल में देश भर की तुलना में बिहार में शिक्षकों की सबसे अधिक सीटें खाली है। देश के समस्त सरकारी स्कूल में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी रिक्तियों के अनुसार पूरे देश में 10,60,140 शिक्षकों के पद खाली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते दिन लोकसभा में सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह आंकड़े पेश किए हैं। साल 2020 में किस तरह पूरे देश में शिक्षकों के 61,80,464 पद स्वीकृत है। इसके विरुद्ध अलग अलग राज्यों में कुल 10,60,140 पद रिक्त है। इसमें सबसे अधिक शिक्षकों के पद बिहार में खाली है, जहां शिक्षकों की स्वीकृति 6,88,157 पदों के विरुद्ध 2,75,255 पद खाली है। पटना के थानेदार को SSP ने दिया नाइट टास्क। पटना में बढ़ रहे अप्रिय वाक्यों को देखते हुए पटना के SSP उपेंद्र शर्मा ने पटना के थानेदारों को नाइट टास्क दे दिया है। पटना SSP उपेंद्र शर्मा ने पटना के थानेदारों को नाइट टास्क को सौंप दिया है और कहा है कि उसमें अगर लापरवाही बढ़ती गई तो सख्ती से पेश आया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पटना में बढ़ती वारदातों के पीछे रात में पुलिस की गश्ती ना होनी बड़ी वजह मानी जाती है। इसको लेकर SSP उपेंद्र शर्मा ने पटना के थानेदारों को आदेश दिया है हर इलाके में रात की गश्ती को दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि रात में आने जाने वालों को रोककर पूरी जानकारी भी ली जाए। इसके साथ ही ऑटो और कार वालों को भी रोका जाए और उनसे डिटेल भी ली जाए, खासकर ऑटो वालों की तलाश जरूर की जाए। बिहार के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। बिहार के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बहाली मामले में पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी पक्षों को अपना अपना लिखित पक्ष 19 अक्टूबर तक कोर्ट को देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नवंबर महीने के पहले सप्ताह में फैसला हो जाएगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों के कुल पद सहित DLED उम्मीदवारों एवं BED उम्मीदवारों के प्राप्त आवेदनों की संख्या और कुल आवेदन की संख्या के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई की है। गौर करने की बात यह है कि राज्य सरकार के उस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें DLED उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। अब यूपी बिहार के बीच चलाई जाएगी 166 बसें। बिहार से उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। उत्तर प्रदेश रोडवेज और बिहार परिवहन मिलकर दोनों राज्यों के बीच बस चलाने पहल चालू कर रहे हैं। बिहार के 97 बसों का तो उत्तर प्रदेश के 69 बसों का संचालन होगा। अब से उत्तर प्रदेश के 25 शहरों से बिहार के अलग अलग जनपदों के लिए भी बसें चलाई जाएंगी। सितंबर 2019 में हुए समझौते के मुताबिक मार्च 2020 में बिहार परिवहन निगम को पत्र भेजकर बस संचालन की तारीख तय करनी थी, लेकिन COVID-19 की वजह से और लॉकडाउन की वजह से बात नहीं हो सकी, जिसको देखते हुए दोनों राज्यों के बीच बैठक की तारीख तय होनी है। इसके लिए एक पत्र बिहार परिवहन को भेज दिया गया है। जल्द ही दोनों राज्यों के साथ बैठक करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में इस बात को लेकर फैसला जरूर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो समेत विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना मेट्रो रेल परियोजना के अलावा स्वास्थ्य, पथ निर्माण, जल संसाधन, परिवहन, वन एवं पर्यावरण और सहकारिता विभाग के अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास किया है। आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से पटना मेट्रो के काम की शुरुआत की जा रही है। कार्य शुरू होने के बाद ISBT को लेकर मलाही पकड़ी तक के अलाइनमेंट का काम शुरू हो जाएगा। DMRC ने इस अलाइनमेंट के लिए टेंडर के आधार पर कंपनी का चयन कर लिया है। पटना मेट्रो प्राथमिक कॉरिडोर मलाही पकड़ी से ISBT तक नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि NCC को काम करने का टेंडर मिला है। लगभग 6 किलोमीटर तक का यह होने वाला है, जिसमें लगभग 553 करोड़ की लागत, 5 स्टेशन जुड़ने वाले हैं और एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रविन्द्र किशोर सिन्हा और राजशेखर की। रविन्द्र किशोर सिन्हा एक भारतीय उद्योगपति और राजनीतिज्ञ है, जिनका जन्म 22 सितंबर 1951 को बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। रविन्द्र किशोर सिन्हा ने सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज की स्थापना भी की। आपको बता दें, रविन्द्र किशोर सिन्हा ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस और लॉ से पूरी की थी। हालांकि उन्होंने अपने करियर में बतौर जर्नलिस्ट शुरू किया था। वहीं दूसरी तरफ राजशेखर का जन्म आज ही के दिन 1980 में बिहार के मधेपुरा जिले में हुआ था। राज पेशे से कवि, सॉन्ग राइटर और लिरिसिस्ट है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में आई तनु वेट्स मनु में लिरिक्स देकर की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, उरी जैसी कई फिल्मों में भी उन्होंने लिरिक्स लिखा है। बिहार में 10वीं और 12वीं के छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने दिया समय। बिहार में ओपन स्कूल बोर्ड में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कहा है कि वो इस मामले में एक सप्ताह में उचित निर्णय ले ले। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य के हजारों छात्र का भविष्य यूं ही बर्बाद होता हम नहीं देख सकते हैं। संजय कुमार की खंडपीठ ने ग्रास रूट्स एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ नामक NGO की तरफ से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। शरद यादव की हालत हुई गंभीर। बीते दिन जहां शरद यादव की तबीयत सामान्य बताई जा रही थी, वहीं मिली जानकारी के
अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के प्रधान शरद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। शरद यादव को सोमवार की रात उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शरद यादव को रात में सांस लेने में अचानक दिक्कत होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शरद यादव की हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि शरद यादव की हालत गंभीर है। गौरतलब है कि शरद यादव के पिछले दिनों की तबीयत खराब होने की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि बीते दिन से सांस में आ रही तकलीफ के बावजूद सुधार की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, उनके बिहार विधानसभा चुनाव में शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही थी, मगर अब उनकी तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है। नामांकन के समय में बैंक खाते का देना होगा अब अभ्यर्थियों को डिटेल। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग लगातार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है और कई नियमों में भी बदलाव कर रहा है। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने से पहले अभ्यर्थियों को नया बैंक खाता खोलने का आदेश दे दिया गया है। खास बात यह होगी कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान यूनियन बैंक खाते का नंबर रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप में देना होगा। ऐसा नहीं करने पर रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें नोटिस जारी कर सकते हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के निर्वाचन आयोग के उद्देश्य से एक बैंक खाता खोलना होगा। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि बैंक खाता या तो अभ्यर्थियों के नाम से होगा या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। बैंक खाता अभ्यर्थियों के परिवार के साथ किसी सदस्य के नाम से या किसी दूसरे व्यक्ति जो अभ्यर्थियों का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है। बैंक खाता राज्य में कहीं भी सरकारी बैंक सहित किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बिहार को ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट देने वाला बताया पहला राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बिहार को बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत बिहार के सभी 45,945 गांव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने वाली परियोजना के पूरा होने पर सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने का आदेश दिया गया है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया बिहार के सभी 45,000 से ज्यादा गांव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने वाली परियोजनाओं के पूरा होने पर सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के इस परियोजना के तहत लगभग 1,000 करोड़ की लागत से बिहार के सभी गांवों में मार्च 2021 तक ऑप्टिकल फाइबर तेज गति इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी करेगी राजद का समर्थन। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतरने वाली है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करेगी। आपको बता दें, महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है कि पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि वो चुनाव में प्रत्याशी न खड़ा करते हुए राजद का समर्थन करेगी। आपको बता दें, साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन बना था तो तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव गठबंधन में शामिल हुए थे। हालांकि चुनाव से ठीक पहले वो महागठबंधन से अलग हो गए थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने राजद के समर्थन का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने लिया मां राबड़ी देवी का आशीर्वाद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की सरगर्मी लगातार देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए अब सियासी दलों ने चुनावी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए चुनावी रणभूमि में उतरने की तैयारी कर ली है। इसी सिलसिले में आज लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने हसनपुरा में चुनावी बिगुल फूंकने पहुंच गए हैं। तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से किनारा करके समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट को इस बार विधानसभा में जाने के लिए चुना है। तेज प्रताप यादव आज हसनपुर पहुंच चुके हैं। हसनपुर जाने से पहले तेज प्रताप यादव ने राबड़ी आवाज जाकर राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया था। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव समस्तीपुर के हसनपुर में आने वाले 2 दिनों तक रहने वाले हैं, जहां वो जनता के बीच जाकर बातचीत करेंगे। राजद के खिलाफ पटना में जारी किया गया लूट एक्सप्रेस वाला पोस्टर। चुनाव से पहले बिहार में पोस्टरबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में राजधानी पटना की गलियों में लूट एक्सप्रेस वाले पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया गया है। इतना ही नहीं, एक्सप्रेस का संचालन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आपको बता दें, इस पोस्टर में एक बस के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती बैठे दिखे गए हैं, जबकि लालू और तेजस्वी यादव को बस के ऊपर खड़ा कर दिखाया गया है। इस पोस्टर के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि लालू और तेजस्वी लूट एक्सप्रेस को संचालित कर रहे हैं और गाड़ी के अंदर उनके परिवार के लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। एक ही परिवार बिहार पर भार। हालांकि जारी किए गए इस पोस्टर पर राजद फैमिली किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देती है, यह देखना दिलचस्प होगा। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने की नेक पहल। साल 2020 की शुरुआत से ही दुनिया को कोविड-19 की परेशानी से जूझ रही है। इसके कारण अब तक हजारों डॉक्टर समेत 10 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले कोविड नायकों को याद किया जा रहा है। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने कोविड नायकों को सम्मान देने के लिए अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदल लिया है। विराट कोहली ने इस दौरान अहम भूमिका निभाने वाले कोविड-19 सम्मान ने सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर सिमरनजीत सिंह कर लिया है। वहीं एबी डिविलियर्स ने ट्विटर हैंडल पर अपना नाम बदलकर परितोष पंत कर दिया है। आरसीबी के खिलाड़ियों ने सोमवार को सनराइजर
हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान जो जर्सी पहन रखी थी उन सभी पर माई कोविड हीरो लिखा गया था। देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 55 लाख के पार। देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 75,083 नए मामलों की पुष्टि की गई है और 1,053 लोगों की जान जा चुकी है। 2 सितंबर से लगातार देश में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अच्छी खबर यह है कि बीते 24 घंटे में अब तक रिकॉर्ड 1,01,468 ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल मिलाकर कोविड 19 प्रभावितों की संख्या 55,62,000 पर पहुंच गई है, जिसमें से 88,935 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 9,75,000 हो गई है और 44,97,000 लोग ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। आपको बता दें, भारत में सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में हुए मामलों की संख्या करीब 4 गुना अधिक। आईसीएमआर की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 21 सितंबर तक कोविड 19 के कुल 6,53,00,000 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 9,33,000 सैंपल की जांच कल हुई है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार को बिहार के किन किन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।